ऐसी मान्यता है कि इन 15 दिन हमारे पितृ पितृ लोक से पृथ्वी लोक पर आते हैं। इन 15 दिनों में पितरों को पिंडदान तथा तिलांजलि कर उन्हें संतुष्ट करना चाहिए। श्राद्ध के 16 दिनों में लोग अपने पितरों को जल देते हैं तथा उनकी मृत्यु तिथि व श्राद्ध करते हैं। एस टुडे के साथ विशेष बातचीत के दौरान पंडित राकेश कुमार गौतम ने बताया कि पितृपक्ष का मान प्रतिपदा से अमावस्या तक है। इस बार दशमी और एकादशी तिथि का श्राद्ध एक ही दिन होगा। श्राद्ध में ब्राह्मण को भोजन जरूर करवाना चाहिए। उन्होंने बताया कि 28 सितंबर को सर्व पितृ अमावस्या का श्राद्ध होगा। 16 को मध्यम तिथि न मिलने के कारण श्राद्ध नहीं होगा। पेश है बातचीत के मुख्य अंश। स्वागत है दर्शकों आपका स्टूडियो में। पितृपक्ष श्राद्ध आ रहे हैं और इस श्राद्धों के दौरान कई तरह की भ्रांतियां लोगों के बीच रहती हैं। इन्हीं भ्रांतियों को दूर करने के लिए एच टुडे में आज आए हैं मशहूर पंडित राकेश कुमार गौतम जी। गौतम जी स्वागत है आपका स्टूडियो में। बात करेंगे पितृपक्ष श्राद्ध की, 13 से शुरू हो रहे हैं, क्या रहेगा इस बार श्राद्धों में और कौन कौन से श्राद्ध जो है वो इस बार नहीं आ रहे हैं, क्योंकि बीच में कहीं कट भी रहे हैं श्राद्ध में। इस बार जो पितृपक्ष श्राद्ध हैं वो 13 सितंबर 2019 से शुरू हो रहे हैं। पहला श्राद्ध पूर्णिमा का है, उसके बाद जो इन 16 श्राद्धों में जो चतुर्दशी का श्राद्ध है वो लगभग 6 है। तो श्राद्धों में हम, जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि हमारे जो पितृ हैं, पूर्वज हैं, उनकी उनके उपलक्ष में उनके इसके लिए उनसे आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए श्राद्ध किए जाते हैं। पंडित जी कहीं ना कहीं इन श्राद्धों के दौरान किस तरह की विधि से जो है वो पूजन किया जाए ताकि पितृपक्ष जो है वो हमारी हमें आशीर्वाद देते रहें। सर्वप्रथम तो मैं ये बताना चाहूँगा कि अगर शास्त्रों के अनुसार देखा जाए तो हमारे जो मत्स्य पुराण है उसके अनुसार जो है वो लगभग 3 प्रकार, उसमें जो है 3 प्रकार के श्राद्धों का उल्लेख किया गया है, जिसमें नियत श्राद्ध, नैमित्तिक श्राद्ध और एक एवं उसमें एक काम्य श्राद्ध की जो है वो पूर्वजों के लिए किए जाते हैं। और जो हमारी यम स्मृति है उसमें 5 प्रकार के श्राद्धों का वर्णन मिलता है, जिन्हें नित्य श्राद्ध, नैमित्तिक श्राद्ध, काम्य श्राद्ध, वृद्धि श्राद्ध और पारवर्ण श्राद्ध के नाम से जाना जाता है। नित्य श्राद्ध का जो मतलब जो अर्थ है वो है लग, यानी कि नित्य जो श्राद्ध किए जाते हैं, यानी कि जब हम नित्य रोज अपने पूर्वजों को याद करते हैं, जैसे कि पक्षियों को दाना या किसी को भोजन करवाना, उसे वो नित्य श्राद्ध की श्रेणी में आता है। और इसके बाद जो नैमित्तिक श्राद्ध है, नैमित्तिक श्राद्ध जो है उस श्राद्ध उसमें हम अपने जो हमारे जो पूर्वज हैं उनका वर्ष में एक बार जो जिसे हम अपनी भाषा में क्या श्राद्ध बोला जाता है उसे कहा जा उसके नाम से जाना जाता है। जैसे कि किसी की मृत्यु जिस तिथि को हुई होती है उसी तिथि को उसका श्राद्ध किया जाता है। उसके बाद जो है काम्य श्राद्ध, यानी कि काम्य श्राद्ध जो है जो हम अपने पूर्वजों से किसी भी कार्य के पूर्ण होने की या किसी भी प्रकार की कामना करते हैं तो उस कार्य के पूर्ण होने के उपरांत जो श्राद्ध किया जाए तो उसे हम काम्य श्राद्ध की श्रेणी में वो आता है। उसके बाद होता है वृद्धि श्राद्ध। वृद्धि श्राद्ध का मतलब ये रहता है कि जैसे घर में किसी प्रकार का पुत्र जन्म हो, विवाह मंगली का आदि कार्य हो, तो उस समय हम यदि वो श्राद्ध ना कर पाए तो उसे वृद्धि में करके उन श्राद्धों को किया जाता है। उसके बाद जो 5वां श्राद्ध है वो है पारवर्ण श्राद्ध। तो पारवर्ण श्राद्ध जो संबंधित होता है वो है पितृपक्ष श्राद्ध और अमावस्या अर्थात पर्व में जो किया जाए, यानी इन पितृपक्ष में जो श्राद्ध किया जाए उन्हें पारवर्ण श्राद्ध कहते हैं। और इनमें यदि किसी को भी अपने पूर्वजों के श्राद्धों का या तिथियों का ना पता हो तो उसमें जो अमावस्या का श्राद्ध है उसे उस अंतिम श्राद्ध को हम सब पूर्वजों का श्राद्ध कर सकते हैं। खासकर जो चतुर्दशी का श्राद्ध है उस श्राद्ध उसका श्राद्ध केवल जिसकी मृत्यु विष से, दुर्घटना से या शस्त्र से हुई हो तो उसका श्राद्ध हम चतुर्दशी को करते हैं। पंडित जी जानना चाहेंगे, लोगों में एक भ्रांति रहती है कि कहीं ना कहीं जो श्राद्ध हैं इस दौरान कोई भी मंगली कार्य नहीं होते हैं, कोई भी जो कार्य हैं वो नहीं करने चाहिए, क्या है इसके पीछे का वो? देखिए इसके पीछे जो हमारे पूर्वज हैं तो आज यदि हम इस जो जीवन यापन कर रहे हैं तो उनके उन्हीं की वजह से कर रहे हैं, तो इसके लिए कहीं ना कहीं पूरे वर्ष भर में एक पक्ष पूरा जो है हमारे पूर्वजों को याद करने के लिए शास्त्रों में बनाया गया है। इसलिए हम इन कार्यों में सिर्फ सभी मांगलिक कार्य बंद करके अपने हमारे जो पूर्वज हैं उनके प्रति श्रद्धा करते हुए उनको याद करें,
तब ये इन श्राद्ध पक्षों में उनके सिवाय अपने पूर्वजों के सिवाय हम और प्रकार के मांगलिक कार्य नहीं करते हैं। पंडित जी, कहीं ना कहीं जैसे आपने बताया कि जब किसी की तिथि की जानकारी ना हो तो उसको अमावस्या को ही उसका श्राद्ध करते हैं, तो क्या रहता है इसमें? क्योंकि अधिकतर लोगों में रहता है कि मुझे तिथि का पता नहीं है, या जो टाइम है वो देसी महीने के अनुसार चलता है या फिर हमारे जो नॉर्मल कैलेंडर है उस अनुसार चलता है? नहीं, एक्चुअल जो श्राद्ध किए जाते हैं तो जो श्राद्ध पक्ष में जो 16 दिन आते हैं हमारा, जो पूरा ये उसमें जिस तिथि को आदमी उस की मृत्यु हुई हो उसी दिन उसका श्राद्ध किया जाता है, उसी तिथि को श्राद्ध किया जाता है। यदि किसी कारणवश मृत्यु हुए व्यक्ति का तिथि का पता ना हो तो जो अंतिम श्राद्ध है अमावस्या का श्राद्ध, तो उस दिन उनका श्राद्ध किया जा सकता है। इसीलिए अंतिम श्राद्ध को हम, अमावस्या के श्राद्ध को हम सर्वपित्री श्राद्ध बोलते हैं। कहीं ना कहीं दर्शकों से कुछ बताना चाहेंगे कि इस बार श्राद्धों में क्या विशेष तौर पर करें ताकि उनके पितर जो हैं वो खुश रहें? मेरा तो सभी लोगों से यही आग्रह रहेगा कि इन श्राद्ध पक्ष में अपने पूर्वजों को पूर्ण रूप से याद करें, उनसे अपना आशीर्वाद लें, किसी भी प्रकार के अभक्ष्य पदार्थों का सेवन ना करें तो कहीं ना कहीं उनको उनके पूर्वजों का आशीर्वाद प्राप्त होगा। तो ये थे हमारे साथ राकेश गौतम जी, जिन्होंने कहा है कि पितृपक्ष श्राद्ध अपने पितरों को याद करने के लिए अच्छे मन से मनाएं, तभी हमारे पितर जो हैं वो खुश होंगे और सुख समृद्धि आपके जीवन में आएगी। एज टुडे के लिए अरविंदर सिंह।